हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10+2 का अपना 7th चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट बुक का द नेकलेस देखते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि मटिल्डा इज इनवाइटेड ए ग्रैंड पार्टी। इस चैप्टर के अंदर जो मटिल्डा नाम की वुमेन है उसको एक विशाल पार्टी का बड़ी पार्टी में इन्विटेशन मिला था। शी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसकी ड्रेस बड़ी सुंदर थी लेकिन पहनने के लिए आभूषण नहीं था। शी बोरो ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। उसने अपने सहेली से एक नेकलेस गले का हार उधार मांगा एंड लॉस इट, और गलती से वो गुम हो गया। व्हाट हैपेंस दैट, फिर देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। द नेकलेस, इसमें दो क्वेश्चन हैं, रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ेंगे और ढूंढेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैम लुइजल। मैम लुइजल किस प्रकार की महिला थी। व्हाई इज ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा खुश क्यों नहीं रहती थी। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड, उसके पति किस प्रकार के व्यक्ति थे। ये दो क्वेश्चन हैं, देखेंगे। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। कहता कि वो उन सुंदर और युवा महिलाओं में से एक थी जिसका जन्म भाग्य एरर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की गलती से हुआ था। वो उनका जन्म भाग्य की गलती मानता है कि इनका जन्म कहीं उच्च घराने में होना था लेकिन गलती से कहाँ हो गया उसका जन्म, इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क, क्लर्क के बाबू के परिवार में, जिसके परिवार में सभी बाबू थे क्लर्क थे, ऐसे फैमिली में उसका जन्म हो गया। शी हैड नो डोरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश। अब वो उसकी इच्छा थी कि भाई वो रिच और डिस्टिंग्विश कोई विख्यात या अमीर आदमी से वो शादी करे, लेकिन उसके लिए क्या कमी थी। शी हैड नो डोरी, न तो उसके पास देने के लिए उसके घर में दहेज था, नो होप्स, न ही ऐसी कोई उम्मीद थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और न ही जानकार या प्रसिद्ध होने का कोई साधन था। लव्ड एंड मैरिड, ताकि वो प्यार करे और शादी करे एक ऐसे आदमी से, या तो अमीर हो या फिर बहुत डिस्टिंग्विश, बहुत ही विख्यात हो, फेमस हो। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इस प्रकार उसे एक बोर्ड एजुकेशन, शिक्षा बोर्ड के ऑफिस में एक क्लर्क था उसके साथ, मामूली क्लर्क था, उसके साथ उसने शादी करनी पड़ी। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो बहुत सीधी शादी थी लेकिन अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी एक सिंपल क्लर्क के साथ हुई थी, उसे बहुत उम्मीद थी। शी सफर्ड इंसिडेंटली, निरंतर वो दुखी रहा करती थी। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलीशियस एंड लग्जरीज। अब उसकी अनहैप्पी का कारण, शी वॉज अनहैप्पी, वो हमेशा खुश रहती थी, इसका कारण इसमें दे दिया। ये क्वेश्चन आता भी है बेटा, शी सफर्ड इंसिडेंटली फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलीशियस एंड लग्जरी। वो अपने आप को ये मानती थी कि वो स्वादिष्ट भोजन और लग्जरी लाइफ, ऊंचा जीवन यानी स्वादिष्ट भोजन और ऐसे आराम की वस्तुओं का भोग करने के लिए उसका जन्म हुआ है, ये सोच के वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। शी सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट हाउस। वो अपने घर की दरिद्रता के ऊपर परेशान रहती थी। द शाबी वाल्स, घर की दीवारें थी वो बड़ी शाबी थी, भद्दी थी, एंड द वर्न चेयर्स, और जो फर्नीचर था, चेयर्स थी, वो टूटी फूटी फर्नीचर था, पुराना फर्नीचर था। ऑल दीज थिंग्स टॉर्टर्ड एंड एंगर्ड हर। ये सब सारी चीज़ें उनको, उसको यातना देती थी, और वो उन चीज़ों से हमेशा नाराज रहती थी, क्रोधित रहती थी। व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, जब वो कभी अपने पति के सामने डिनर के लिए बैठती थी, हु अनकवर्ड द टेरिन विद ए डिलाइटेड एयर सेइंग, और फिर उसका पति
बड़ी खुश हो के जो बड़ा बड़ा खुश हो के ढक्कन था कटोरे का ढक्कन जिसके अंदर सूप था, सूप के कटोरे के ढक्कन को बड़े खुश हो के हटाता और अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कहता, ओ द गुड पॉट पाए, अरे कितना स्वादिष्ट है। और सिर्फ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए खुद ढक्कन हटाता और बेचारा कहता, कितना ओ द गुड पॉट पाए, कितना स्वादिष्ट है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, इससे बढ़िया मैंने कभी नहीं खाया है, कभी नहीं चखा है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, लेकिन वो बड़ा एलिगेंट डिनर, बड़ा स्वादिष्ट डिनर की सोचा करती थी, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, कि वो डिनर है वो बड़े शाइनिंग, उसकी डिनर के जो बर्तन हैं वो बड़े चांदी के जैसे चमकदार हो, ऐसे सोचा करती थी। शी थॉट ऑफ एग्जिसाइट फूड सर्वड इन मार्वलस डिश, और वो सोचा था कि शानदार भोजन और बड़े ही शानदार, बहुत मार्वलस डिशेस, बहुत शानदार प्लेटों के अंदर परोसा हुआ भोजन होना चाहिए। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर जेवल्स, अब उसके पास नहीं तो फ्रॉक था, नहीं कोई आभूषण था, नथिंग, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और इन चीज़ों को ही वो चाहती थी, ऐसी चीज़ों को वो चाहती थी, ये चीज़ें थी नहीं। शी हैड ए रिच फ्रेंड, अब परेशानी का एक कारण और भी था, शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक बहुत ही अमीर मित्र, बहुत अमीर महिला थी जो उसकी सहेली थी, ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, कॉन्वेंट स्कूल में जब वो पढ़ा करती थी तो उसके स्कूल की मेट थी, स्कूल की साथी थी, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, उसके घर जाना, विजिट करना उसे पसंद नहीं था। इसके पीछे का कारण क्या था, शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, क्योंकि उसके घर से जब वो वापस आती थी तो उसे बड़ी परेशानी होती थी। शी वेप्ट फॉर ऑल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, उदासी और निराशा में वो पूरे दिन, डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, उदासी और निराशा में वो दिन भर रोती रहती थी। जब उसके घर से वापस आती थी तो दिन भर रोती थी उसके घर के ऐसे आराम देख के। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज इनवॉल्व, एक शाम को उसका पति एक सजे हुए, एक सजा एलिटेड एलिटेड एक शानदार सजा हुआ सा एक बड़ा लिफाफा हाथ में लेके आया, बड़ा लिफाफा उसके पति के हाथ में था, घर आया। हे हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, अरे ये कुछ मैं आपके लिए है, आपके काम की चीज़ है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इनस्क्रिप्ट दीज वर्ड्स, अब उसने तुरंत उस लिफाफे को बाहर निकाला जिसके अंदर एक प्रिंटेड कार्ड था, विच वर इनस्क्रिप्ट दोज वर्ड्स, उसके अंदर ये वर्ड लिखे हुए थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मंत्री, एंड मैम जॉर्ज रमसन, आस्क द ओनर ऑफ मैम एंड मैम लुइजल कंपनी, कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और मैम जॉर्ज रमसन ने मैम और मिस्टर एंड मैम लुइजल को सम्मानित रूप से मंडे इवनिंग, सोमवार की शाम 18 जनवरी एट द मिनिस्टर रेजिडेंस, मंत्री के आवास पर बुलाया है, बड़े सम्मान के साथ बुलाया है, ये कार्ड के अंदर छपा हुआ था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसे कि उसके पति को उम्मीद थी कि इसको इनविटेशन को देखते ही वो खुश हो जाएगी, ये उम्मीद थी, लेकिन खुश होने के बजाय शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली, बड़ी घृणा के साथ, अपॉन द टेबल मर्मरिंग, उसने बुड़बुड़ाते हुए उस इनविटेशन कार्ड को टेबल के ऊपर फेंक मारा, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आप क्या मानते हैं कि इसका मैं क्या करूं, बट माय डियरी, लेकिन मेरे प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मैंने तो सोचा कि इससे तुम खुश हो जाओगी, यू नेवर गो आउट,
तुम कभी बाहर किसी पार्टी वार्टी में नहीं गई हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और एक ऐसा अवसर मिला है, मौका मिला है, एंड ए फाइन वन, और बहुत ही शानदार। एवरीबडी विश वन, हर कोई ऐसे मौके की तलाश में होता है, हर कोई चाहता है, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी, इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये बहुत सिलेक्टेड, बहुत कम, थोड़े लोगों को ऐसा मौका मिला है, बहुत थोड़े लोगों को ये इन्विटेशन दिया गया है, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉय, बहुत ज़्यादा कर्मचारियों को ये इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला है। यू विल सी द ऑल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहाँ अधिकारियों से मिलोगी, बहुत सारे अधिकारी लोग आएंगे, उनसे तुम मिल पाओगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, उसने चिढ़ती हुई आँखों से, चिड़चिड़ी आँखों से उसकी तरफ देखा, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और अधीरता के साथ कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, क्या पार्टी जैसी कोई चीज़ पहनने के लिए मेरे पास है, यानी मेरे पास कोई ऐसा ड्रेस है जो पार्टी में पहनी जाए। ही हैडेंट थॉट ऑफ इट, ही हैडेंट थॉट ऑफ दैट, उसने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड हकलाया, हड़बड़ाया, हकलाया, वाई द ड्रेस यू वियर वेन वी गो टू द थिएटर, क्यों नहीं तुम वो ड्रेस पहन लो जिसको हम सिनेमा में, थिएटर में पहन के तुम जाती हो, सिनेमा देखने जाते हो, उस ड्रेस को क्यों नहीं पहन लेती। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, मुझे तो वो ड्रेस आपकी बहुत सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड इन डिसमे, अब वो बेचारा चुप था, अपने आप को मूर्ख मान रहा था, इन डिसमे और निराशा के अंदर, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, उसकी पत्नी के रोने को देख के वो बिल्कुल निराश था। ही स्टम्बल्ड, हकलाते हुए, वो हकला रहा था, जवान लड़खड़ा रही थी, व्हाट इज द मैटर, आखिर बात क्या है, व्हाट इज द मैटर, बाय ए वायलेंट एफर्ट, बहुत अधिक प्रयास के बाद, शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन, उसकी नाराजगी, वेक्सेशन होता है एंगरनेस, नाराजगी, शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन, उसने अपनी नाराजगी को नियंत्रण में किया, एंड रिस्पोंडेड इन ए काम वॉइस, और एक शांत आवाज में जवाब दिया, वीपिंग हर मोएस्ट चीक्स, और उसके गीले आंसुओं से भीगे हुए गालों को उसने पोंछा, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, कथा कि इस मौके पर पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, ऐसी कोई ड्रेस नहीं है। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, कहा कि अपने किसी ऐसे साथी को, अपने किसी साथी को दे दो जिसकी पत्नी अधिक इसके ऊपर सही फिट बैठती हो, यानी जिसके पास अच्छे कपड़े हो पहनने के लिए इस पार्टी के लिए, देन आई, मेरी बजाय उस किसी साथी को दे दो। ही वॉज ग्रीफ्ड, अब वो बड़ा दुखी हुआ, बट अनसर्ड, लेकिन जवाब दिया, लेट्स सी, चलो कुछ नहीं, हम देखते हैं मैटिल्डा, चलो देखते हैं, हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक अच्छी सी कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक अच्छी सी ड्रेस की क्या कीमत हो सकती, कितने पैसे लग जाएंगे, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कोई ऐसी, समथिंग वेरी सिंपल, कोई सीधी सादी सी और ऐसी ड्रेस, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, तो किसी दूसरे मौक़ों पर भी पहन ली जाए, ऐसी ड्रेस की कितनी कीमत हो सकती है, कितने रुपये में आ जाएगी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड थिंकिंग ऑफ ए सम, वो कुछ देर के लिए कुल राशि को सोचने के बारे हिसाब लगाती रही, और कुछ देर उसने देखा, रुकी वो, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, फिर उसने सोचा कि कुछ ऐसा हिसाब लगाया जाए कि वो तुरंत मना ना कर दे, एन इमीडिएट रिफ्यूजल, कि तुरंत इतनी राशि अगर मैंने अधिक बता दी तो तुरंत मना कर देगा, एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और कि ये दयनीय हालत वाला क्लर्क है, ये कहीं डर ना जाए अधिक राशि को सुन के। फिर भी फाइनली शी सेड, आखिर में उसने बताया, इन हेजिटेटिंग, एक हेजिटेट होते हुए, हेजिटेटिंग वॉइस, वो हेजिटेटिंग वॉइस में बोली,
हिचकिचाते हुए, आई कांट टेल एग्जैक्टली, कि एग्जैक्ट सही सही तो मैं नहीं बता सकती कितने में आएगी ड्रेस, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 francs ought टू कवर इट, कि मुझे ऐसा लगता है कि 400 franc के आसपास इसको कवर कर लेने चाहिए, यानी कि इतने तक ड्रेस हो जाएगी। ही टर्न्ड ए लिटल पेल, अब उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन, क्योंकि इतनी राशि उसने जमा तो की थी लेकिन एक बंदूक खरीदने के लिए राशि जमा की थी। देन ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टी द नेक्स्ट समर, और उस ताकि उस बंदूक के साथ आने वाली गर्मियों में वो हंटिंग पार्टी में शामिल हो सके, इसके लिए उसको बंदूक खरीदनी थी और उसके लिए पैसे उसने इकट्ठे किए थे। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, कुछ ऐसे दोस्तों के साथ जो संडे को लार्क पक्षियों का शिकार करने के लिए जाते हैं। नेवर्थलेस, हालांकि फिर भी, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, वेरी वेल, बहुत ठीक, आई विल गिव यू 400 francs, ठीक है मैं तुम्हें 400 franc दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना एक अच्छी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। तो आगे वाले में हमें दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टू क्वेश्चन है, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैम लुइजल, अब कौन सी नई समस्या आ गई जिससे मैम लुइजल परेशान हो गई। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व, और इस नई प्रॉब्लम का समाधान कैसे हुआ, अब इस आगे वाले में हम पढ़ेंगे। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, बॉल होती है नर्थ पार्टी, डांस पार्टी, बॉल। द डे ऑफ बॉल अप्रोच्ड, अब वो नर्थ पार्टी का दिन आ गया। एंड मैम लुइजल सीम्ड सैड, और मैम लुइजल उदास लग रही थी। डिस्टर्ब्ड, बड़ी परेशान लग रही थी, एनेक्सियस, चिंतित लग रही थी। नेवर्थलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि उसकी ड्रेस थी वो अभी तैयार होने ही वाली थी, अबाउट टू रेडी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसके पति ने पूछ लिया, व्हाट इज द मैटर विद यू, आखिर तुम्हारे साथ क्या बात है, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, दो तीन दिनों से तुम्हारा व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा है। एंड शी रिस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव ए जेवेल, मेरे पास गहना नहीं है, आभूषण नहीं है, इसलिए मैं वैक्स नाराज हूँ। नथिंग टू अडॉन माई सेल्फ विद, अडॉन होता सजाना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपने आप को सजा सकूँ। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरी लुक बड़ी दयनीयता वाली है, गरीबों जैसी है। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, अच्छा तो ये रहेगा कि मैं इस पार्टी में ना ही जाऊँ तो ठीक है। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, अब उसके पति ने भी जवाब दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, कि तुम कोई प्राकृतिक फूलों को की माला पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, बड़े सुंदर हैं इस मौसम में अंदर। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुई। नो शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, नहीं, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन हैव ए शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वूमेन, अब उसने कहा कि मिडस्ट ऑफ ए रिच वूमेन, इतनी अमीर महिलाओं के बीच में रह के, इतनी अमीर महिलाओं के बीच में मैं अपनी, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन ए हैव हैबी शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वूमेन, कि इतनी अमीर महिलाओं के बीच में मेरा दम घुटेगा इतनी शैबी एयर के अंदर, क्योंकि मेरा जो पहनावा है मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, कोई आभूषण नहीं है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका पति चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, हम भी कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड यूर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, जाओ और अपनी सहेली मैम फॉरेस्टियर से मिलो। एंड आस्क हर टू लैंड यू हर जेवल्स, और उससे उसका कोई हार मांग लो, कोई आभूषण वगैरह मांग लो। शी अटर्ड क्राई ऑफ जॉय, अब उसके मुंह से खुशी की चीख निकल गई। इट्स ट्रू, हाँ ये ठीक है, ही सेड, वो बोली, आई हैडेंट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था।
द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपने सहेली के घर गई एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस और उसकी परेशानी की कहानी उसको सुनाई। मैम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, और कहानी को सुन के मैं उसकी सहेली मैम फॉरेस्टर अपनी क्लोजेट अपनी अलमारी के पास गई, टुक आउट ए लार्ज जेवल केस, एक बड़ा सा आभूषणों का डब्बा उठा के लाई, ब्रॉट इट ओपन इट, उसको खोला एंड सेड, बोली चूज माई डियर, फिर ये चुन लो जो तुम्हें अच्छा लगे वो छांट लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, शुरुआत में तो उसने कुछ कंगन देखे, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर मोतियों का एक कॉलर देखा, देन ए 118 क्रॉस ऑफ गोल्ड, फिर एक सोने का क्रॉस देखा, जेवल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और गहनों की जो कलाकारी देखी उसने। शी ट्राइड द जेवल्स बिफोर द ग्लास, उसने आभूषणों को शीशे के सामने ट्राई कर कर देखे, हेजिटेटेड थोड़ी हिचकिचाई, बट कुड नाइदर डिसाइडेड टू टेक देम और नॉर लीव देम, लेकिन नहीं तो किसी को डिसाइड टू टेक देम, नहीं तो किसी को लेने के लिए फैसला कर पाई, नॉर लीव देम और नहीं उसको छोड़ पाई। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और भी हैं, वाई यस क्यों नहीं, लुक फॉर योर सेल्फ, अपने आप ही देख लो, आई डोंट नो वट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन से अच्छे लगेंगे। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक से उसने पाया इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक बड़ा सा काले रंग का सैटिन कपड़े का बना हुआ बॉक्स था, ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, उसके अंदर बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का डायमंड्स का बना हुआ नेकलेस। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, जैसे ही उसने उनको बाहर निकाला उसके हाथ कांपने लगे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट द ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस के ऊपर अब लगा के गले के ऊपर लगा के सजा के देखा, चेक किया एंड वाज एक्सटेटिक, और वो बड़ा शानदार था एक्सटेटिक। देन शी आस्क, फिर उसने पूछ लिया इन हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकती हुई आवाज़ में पूछा, फुल ऑफ एनएक्साइटी, पूरी तरह से चिंतित हो तो ये, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो, ओनली दिस, बस मुझे तो यही हार चाहिए, वाई यस सर्टेनली, अरे क्यों नहीं, अवश्य ही ले जाओ इसको तुम। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपनी सहेली के गले लग गई, एम्ब्रास्ड हर विद पेशेंस, और उसको गले से लगाया, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर उसके खजाने के साथ उसके कीमती आभूषण के साथ वो चली गई, लेकर के चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, इस प्रकार पार्टी का दिन आ गया। मैम ल्यूजल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, और मैम ल्यूजल भी बहुत कामयाब हुई, उसकी पार्टी बड़ी सफल हुई। शी वॉज प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे सुंदर लग रही थी, एलिगेंट बहुत ही सुरुचिपूर्ण, ग्रेसियस बड़ी शानदार, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, मुस्कुराती हुई और पूरी खुशी के साथ। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सब लोगों ने उसको नोटिस किया, उसको देखा, आस्क्ड हर, सब ने उसका नाम पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और सब लोग चाहते थे कि उसके साथ मिलने की इच्छा जताई सभी ने। शी डांस्ड विद इंथ्यूजम, बड़े उत्साहपूर्वक वो नाच डांस करती रही, इंथ्यूजम इंटॉक्सिकेटेड विद प्लीजर, खुशी खुशी उत्साह में नाचती रही, थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ नहीं सोचा, बट ऑल दिस एडमायरेशन, सिर्फ अपनी प्रशंसा के बारे में, सराहना के अलावा उसने कुछ नहीं सोचा। दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट, उसकी ये विक्ट्री, ये विजय इतनी पूर्ण और मधुर थी, सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, उसके मन को लुभाने के लिए, उसके मन के लिए उसको ये विजय, उसकी शानदार विजय बड़ी पूर्ण और मधुर लगी। शी वेंट होम टुवर्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे के आसपास वो घर के लिए चल पड़ी। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटल सैलून सिंस midnight, उसका पति आधी नींद में था और वो
एक छोटे से सैलून, ए लिटल सैलून, एक छोटे से कमरे के अंदर सिंस मिडनाइट, आधी रात से आधी नींद में बैठा हुआ था विद थ्री अदर जेंटलमैन, तीन और भी भले आदमी बैठे हुए थे। हिज वाइफ्स वर इंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, जिनकी पत्नियां भी आपस में बहुत अधिक इंजॉय कर रही थी, आनंद ले रही थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मॉडस्ट रैप, उसने एक मॉडस्ट रैप, एक हल्का सा शाल अपने कंधों के ऊपर लपेटा हुआ था। दे हैड कैरीड, जिनको वो लेके आए थे, वॉज पॉवर्टी क्लेस्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, और उसकी जो गरीबी थी, दयनीय हालत थी उस कपड़े की, वो क्लेस्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम, जो नर्त पार्टी की जो उसकी ड्रेस थी, उसकी चमक थी ड्रेस की, उससे वो मैच नहीं करती थी, पॉवर्टी क्लेस्ड। शी विश टू हैरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वूमेन, वो चाहती थी कि यहाँ से जल्दी से निकल लिया जाए ताकि दूसरी अमीर महिलाएं इसको न देख पाएं, हु वर रेपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स, जो अपने आप को बहुत महंगे महंगे फर वाले, रोए वाले कपड़ों से, बड़े बड़े महंगे शालों को उन्होंने ओढ़ा हुआ था। तो वो नहीं चाहते थे कि उसके हल्के इस लबादे को वो नोटिस करें, ध्यान से देखें। ल्यूजल डिटेन हर, अब मिस्टर ल्यूजल उसको रोक रहा था, डिटेन हर, वेट सेड ही, वो बोला थोड़ा वेट करो, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं किसी गाड़ी वाले को बुला लेता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना, एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, और बहुत तेज़ी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वे गली में पहुँचे, दे फाउंड नो कैरिज, तो उनको कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी, एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और वे किसी एक गाड़ी की तलाश में शुरू कर दी। हेलिंग द कोचमैन होम दे सॉ एट अ डिस्टेंस, दूर से एक गाड़ी वाले को तो बहुत दूर से दिखाई दिया था, उसको पुकारा। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द रिवर, वे नदी के साथ साथ चल पड़े, होपलेस, बेउम्मीद के, बिना उम्मीद के, एंड शिवरिंग, और ठंड में कांप भी रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरिज, और आखिर में उनको एक पुरानी गाड़ी मिली, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, जो लगभग रात होने के बाद पेरिस में दिखाई दे जाती है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, वो गाड़ी उसको दरवाजे तक छोड़ के गई, एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और इस प्रकार वो थके हुए, वियरली अप, बहुत थके हुए, अपने अपार्टमेंट में, अपने घर तक पहुँचे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब उनकी पार्टी का आनंद लेने का वो समय अब ख़त्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेम्बर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, अब मिस्टर ल्यूजल को याद आया कि 10 बजे उसको ऑफिस में भी जाना है। She removed the wrap from her shoulder. अब अपने कंधों पर से She removed the wrap from her shoulder from the glass, before the glass. शीशे के सामने अपने कंधों पर से उसने वो जो कपड़ा लपेटा हुआ था, शाल लपेटा हुआ, उसको हटा दिया लबादे को। For a final view of herself in her glory, और शीशे के सामने इसलिए गई ताकि अपने शान को एक बार आखिर बार फिर देख लिया जाए कि उसका हार उसके ऊपर कितना जच रहा होगा। सडनली सी अटर्ड ए कराई, अचानक से उसके मुंह से चीख निकल गई। ही हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसका हार उसके गले में नहीं था। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट हम अगले वीडियो में, इसका बचा हुआ भाग अगले वीडियो में दिखाएंगे, बनाएंगे। और ठीक है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ने के बाद सेकेंड को वीडियो को भी ध्यान से देखना, ताकि आपका कंप्लीट चैप्टर ये समझ में आ जाए। थैंक यू।